गाइस वेलकम बैक। और सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज है बहुत इंपॉर्टेंट दिन, आज है हमारे ऑफिस का पहला दिन। मैं एकदम रेडी वेडी हो चुका हूँ। अभी हम रुके हुए हैं होटल रूम के अंदर जो हमको कंपनी ने प्रोवाइड किया था। आपको वो शाम को आके टूर देते हैं क्योंकि अभी हम थोड़ा हो रखे हैं लेट। अभी हम निकलते हैं अपने पहले दिन के लिए। तो आज देखते हैं क्या क्या होता है। आई एम सो सुपर एक्साइटेड, आपको पक्के से बताएंगे पूरा क्या क्या हुआ। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा लग रहा है पहला दिन आपका? अच्छा लग रहा है भाई। एक्साइटेड? एक्साइटेड हूं। जल्दी करो, लेकिन लेट हो रहे हैं। ये कार्तिक भाई है, कैमरा शाय कार्तिक भाई भी है। तो इसके बाद हम गए नीचे होटल के, जहाँ पर हमारा एक बस वेट कर रही थी। बस पे इन्फोसिस लिखा है, लेकिन मेरी कंपनी इन्फोसिस नहीं है, कोई और कंपनी है। मे बी उन्होंने उससे बस रेंट वगैरह करी होगी। तो ये बस हमको हमारे होटल से जहाँ पर भी हमारा ऑफिस है वहां तक कम्यूट करके लेके जाती है। हम बस में बैठे और बढ़िया खुशी खुशी ऑफिस तक चले गए। अब आपको ये देखना होगा वीवर्क्स का ऑफिस, लेकिन ये भी हमारा ऑफिस नहीं है। ये एक टेम्पररी ट्रेनिंग फैसिलिटी थी जो हमारी कंपनी ने रेंट आउट करी है टू गिव अस ट्रेनिंग, एंड वी हैव टू कम हियर फॉर आवर ट्रेनिंग पीरियड। एंड उसके बाद अब हमारे एक्चुअल ऑफिस के अंदर जाएंगे। तो हम अंदर का भैया मेरे अंदर तो ऐसा गुद 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 वाली फीलिंग होती कि भाई क्या होगा कैसे होगा। आई वाज टू मच प्रेशराइज। हमें एक रूम के अंदर बिठाया गया जहाँ पे सभी जो भी फ्रेश ज्वाइनिस थे वो सब बैठे हुए थे। एंड हमें बोला गया कि आप जाके थोड़ा चिल आउट कर सकते हैं, थोड़ी देर में ओरिएंटेशन वगैरह स्टार्ट होगा। तो अब जो भी था वहां पे जो फ्री की कॉफियां पर मिलती है कॉफी मशीन पे, जैसा हर ऑफिस में होता है, हम तो हमारे लिए तो नया नहीं आता और फ्री की चीज तो एकदम ऐसे कि खुल के पियो। तो हम गए और फ्री की कॉफी पी एंड बाकी लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट वगैरह किया कि वो अच्छा कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है, कौन कैसा है, एंड ऑल दैट। देन वी केम बैक एंड ओरिएंटेशन स्टार्टेड। हमें कंपनी के बारे में बताया गया, उसके पॉलिसीज के बारे में बताया गया, क्या बेसिक काम रहेगा वो सब बताया गया। काफी कुछ डिटेल में ओरिएंटेशन हुआ एंड देन उसके बाद हमें लंच ब्रेक हुआ। लंच ब्रेक के बाद जब हम वापस आए तो हमें बोला यार अभी थोड़ा चिल कर लो, उसके बाद कुछ गुडीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, देन यू विल बी फ्री। तो अब चिल करने के लिए आदमी क्या करेगा। हमने बहुत ज्यादा सोचा, एकदम दिमाग फाड़ दिया। एंड उसके बाद सबसे बढ़िया आइडिया लगा है कि हमने वो फ्री की कॉफी एक और बार पी ली। वाह ना। तो उसके बाद हम देन वी वेंट बैक टू द होटल एंड मैं वापस रूम पे एंड इट वाज अ ग्रेट फर्स्ट डे। भाई बहुत ज्यादा मजा आ गया। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, अभी आपको एक बार पहले पूरा रूम टूर दे देते हैं, उसके बाद अभी हमको मिले कुछ बढ़िया से गुडीज वगैरह कंपनी की तरफ से, वो भी आगे दिखाते हैं। होटल रूम जो है हमको अभी कंपनी ने दिया है कुछ दिनों के लिए। हेलो, ये वॉक इन क्लोजेट है। उसके बाद भाई ये पूरा वॉशरूम है पूरा। भाई बेस्ट चीज दिखाते हैं आपको इस कमरे की, बेस्ट चीज भाई ये जो लाइट आती है ना, हाँ मजा आ जाता है भाई। ऐसे होटल में रुकने का अलग फील है भाई। इसके आगे बाकी ये पूरा रूम है, इधर दो बेड हैं, टीवी वगैरह है। टीवी पे अपन भैया बढ़िया रात को गाने वाने चला देते हैं। तो या भाई जैसा मैंने कहा था, हमें एक गुडी बैग भी मिला भाई कंपनी की तरफ से। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। भाई ये है एक स्मार्ट कप दिया है भाई इन्होंने बढ़िया सा। इसके अंदर भाई बढ़िया, यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है कि अंदर पानी कहते हैं, तो गर्म गर्म पानी पियो, ठंडा ठंडा पानी पियो और सही है। दूसरी चीज है वो भाई डायरी दी है, डायरी और पेन दिया है। पार्कर, इसको तो पार कर देंगे भाई। डायरी का जो कवर है बहुत बड़ा सा उसका। चलो भाई नोट्स कॉपी मिल गई एक। एक चीज है ये टी शर्ट, अरे सही है भाई, ये हमारी दूसरी टी शर्ट मिली है हमको कंपनी से। पहले एक और आ चुकी थी, वो वहां पे हमको मिली हुई थी। ये एक टी शर्ट मिली है, सही है। और भाई ये बैग है, ये बैग भाई जिम बैग मिली है, आप खरीदने की जरूरत नहीं। इसके अंदर जिम की चीजें डाल के लेकर जा सकते हैं। तन्मय इतने टाइम तक हमारे रूममेट यही थे भाई, अपना IIT भुवनेश्वर से है। बाकी आगे और ब्लॉग्स में आता रहेगा ये। अब तो तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि भैया यार ये फ्लैट ले लिया है आपने, ये वाली जर्नी कहाँ है और कैसे लिया क्या लिया, अगर हम भी फ्यूचर में जाएंगे तो कैसा लगेगा, क्या क्या कॉस्टिंग आता है, क्या सब रहता है। तो वो और उसके ऊपर भी एक वीडियो में अलग से बनवाऊंगा कि हैदराबाद में आके तुम्हारे जब तुम सेटअप कर रहे हो किसी नई सिटी में तो क्या खर्चा आता है, कैसा रहता है। मेरी आखिर यार तुम मेरे पूरे जर्नी का पार्ट बनने वाले हो, तो आई विल शेयर ईच एंड एवरी डिटेल विद यू। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड होप टू सी यू समवेयर इन द लाइफ। बाय बाय।